नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। मतलब देश में कुछ अलग ही खेल चल रहा है। कभी देश में बड़े बड़े रेल हादसे हो जाते हैं, कभी बिहार में पुलिया टूटने की और धसने का नाम ही खत्म नहीं होता और टूटता धसता जाता है। लेकिन इस वक्त चर्चाओं का विषय बना हुआ है राजेंद्र नगर दिल्ली का। किस तरह से राउज IAS इंस्टीट्यूट में 3 बच्चों की मौत हो जाती है बेसमेंट में पानी गिरने के कारण। इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं भारत एक नई सोच की पत्रकार पल्लवी राय। इनसे जानना भी बेहद इसलिए जरूरी है क्योंकि चाहे छोटी खबर हो चाहे बड़ी खबर हो, सभी पे पैनी नजर इनकी होती है और बहुत बेहतरीन तरीके से उसको निचोड़ के खबरों को बताती हैं। तो डायरेक्ट इनसे जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। स्वागत है पल्लवी जी। बहुत धन्यवाद अश्विनी आपका। जो ये बड़ा कोचिंग हादसा हुआ है ना, ये इसलिए भी सवालों के घेरे में है क्योंकि हमारे और आपके परिवार के लोग इस पर पढ़ने जाते हैं। मतलब मुझे नहीं लगता कि जो वीडियोस देख रहे होंगे उनका कोई रिलेटिव किसी भी जगह पढ़ने नहीं गया होगा, या वो पटना हो, या वो प्रयागराज हो, या वो दिल्ली हो। हम लोगों के बीच से ये बच्चे पढ़ने जाते हैं, हमारे और आपके बीच के ये बच्चे होते हैं, इसलिए मुझे लगता है ये बहुत गंभीर है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। मुझे पता है इस तरीके के कंटेंट को लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता, इसमें कुछ मसाला नहीं है, इसमें कुछ एंटरटेनमेंट नहीं है, तो इस तरीके के कंटेंट को लोग देखना नहीं चाहते। लेकिन ये हमारे और आपका बहुत जेन्युइन मुद्दा है, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसलिए इस पर चर्चा होनी बहुत जरूरी है। क्या लगता है कि अभी तक 13 इंस्टीट्यूट पर लगभग छापे पड़ चुके हैं और बड़ी कार्रवाई भी हुई है, इसमें क्या बड़े इंस्टीट्यूट और छोटे इंस्टीट्यूट सभी इसमें संलिप्त होंगे? सिर्फ 13 नहीं अश्विनी, ये तो आप जो घटना आंकड़ा बता रहे हैं ये मुझे लगता है कि परसों तक का बता रहे हैं। कल भी तमाम बड़े इंस्टीट्यूट पर एक्शन हुआ है, चाहे वो दृष्टि IAS के 2 इंस्टीट्यूट पर ताला लगने वाली बात हो, और कल शाम में एक बहुत बड़ी खबर आई जिसकी पुष्टि सुबह हुई कि पटना वाले जो खान सर हैं, खान सर का जो कोचिंग सेंटर है, GS कोचिंग सेंटर, उस पर भी जो है वो ताला लगा है, और उसमें तो कम से कम कई हजार बच्चे एक दिन पढ़ने जाते हैं। तो वो खबर बहुत देरी तक जो है बच्चों तक पहुंची और बहुत सारे जो स्टूडेंट थे वो कोचिंग गए, उसके बाद नोटिस चस्पा मिली, ताला लगा मिला तो वो घर लौटे। तो ये सारी चीजें हुई हैं लगातार। बहुत सारा जो टेंशन हो रहा है वो इस तरीके की घटना पर, अब जो त्वरित एक्शन की बात हो रही है, जो बताया जा रहा है कि जब 3 बच्चे अपनी जिंदगी खत्म कर चुके हैं, उनकी अब जिंदगी हम नहीं बचा पाए, उसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम और आप और प्रशासन है। उसके बाद अब एक्शन लेने के बाद भी जो परेशानी हो रही है वो अभ्यर्थियों को ही हो रही है, स्टूडेंट को ही हो रही है। जो अब बेसमेंट में चलने वाली लाइब्रेरी जो बंद कराने के लिए 13 इंस्टीट्यूट दिल्ली में बंद हुए, उसकी वजह से आपको पता है अब जितनी लाइब्रेरियां हैं उनकी फीस दुगनी हो गई। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो आप सभी को पता है कि किसान के परिवार का बच्चा जाता है या रिक्शा चलाने वाले का बच्चा जा रहा है, उसके पास उतना पैसा नहीं है, बड़ी मजबूरी में 4-5-6 हजार रुपए लेकर वो एक महीने का खर्चा चला रहा होता है, और अचानक से लाइब्रेरी के दामों में दुगनी और तिगुने का इजाफा हो गया। अब उसको इस बात की चिंता है कि एक तो ऐसे ही खाने में जो है वो सुबह का शाम और शाम का सुबह खा के कैसे तो पढ़ा तैयारी कर रहे थे, अब लाइब्रेरी का जो खर्च है वो दुगना हो गया, तो वो और ज्यादा परेशान हो रहा है, स्टूडेंट ही परेशान हो रहा है। तो इस पर भी कोई एक्शन होना चाहिए कि जो लाइब्रेरियां चल रही हैं वो अपना फीस वगैरह जो है वो ना बढ़ा पाए। मतलब ये तो एक तरीके से पूंजीवाद है ना, कि आप कुछ कुछ चीजें कमी क्या आई, एकदम बाजारवाद चल रहा है। नहीं कहते हैं कि अगर किसी चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है तो दाम कम होता है, और सप्लाई कम हो जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है तो जो है वो कीमत बढ़ा देते हैं। तो ये जो कोचिंग संस्थाने हैं और ये जो लाइब्रेरी है जो शिक्षा देने की बात कर रही है, वो इस आपात की घड़ी में भी लाभ कमाने के पीछे लगे हुए हैं, लाइब्रेरी के फीस को दुगना करके। बहुत बहुत हैरानी होती है इस पर भी। अब हम जैसे लोग जो है वो ध्यान दिला रहे हैं, बता रहे हैं कि फीस जो है वो कम होनी चाहिए, इस तरीके का बाजारवाद और पूंजीवाद नहीं चलना चाहिए, कम से कम एजुकेशन में तो नहीं चलना चाहिए। तो लाइब्रेरी पे कोई एक्शन होना चाहिए, नहीं आपको नहीं लगता है? ये तो गलत बात है। बिल्कुल। अच्छा पल्लवी जी, आपने खान सर का नाम लिया तो एक और बहुत ही चर्चित, हो सकता है वो तो मेरे भी आइडियल है आपके भी आइडियल हो, विकास दिव्यकृति सर, जिनका मुखर्जी नगर में निकल जाइए या फिर दिल्ली के लगभग लगभग ऐसी प्लेस में जहां के बच्चे हो, वहां पे बैनर टंगा हुआ आपको जरूर मिल जाएगा उनका, और पल पल पे बैनर। लेकिन इतना बड़ा मामला हो गया,
इतने 3 बच्चों की मौत हो गई और लोगों के आइडियल हैं, लेकिन इस पे कोई बहुत बड़ा तर्क उन्होंने नहीं दिया। सिर्फ ये कह रहे हैं कि मेरा नाम का मिसयूज किया जा रहा है, मेरे नाम इस समय सोशल मीडिया पे बहुत तेज चल रहे हैं, जैसे कुछ लोग मेरे नाम को बदनाम कर रहे हैं। पता है अश्विनी, ये बात भी उन्होंने कही नहीं, ये बात भी उनसे कहलाई गई। मतलब ये जो दिवी कीर्ति सर हैं, या खान सर की बात हो या अवध ओझा सर की बात हो, ये वो बड़े पॉपुलर नाम है जिनके रील्स को बच्चा स्टेटस लगाता है, इनके आदर्शों को फॉलो करता है, इनकी बातों को गांठ जोड़ कर रखता है, और ऐसा लगता है कि ये मार्गदर्शक है हमारे। ये लोग बोले तक नहीं, बच्चों की जान चली गई, किसी का कोई ट्वीट नहीं आता है, बच्चे प्रोटेस्ट पर उतर आते हैं, रोड पर आके चिल्लाने लगते हैं कि कहाँ है वो महानुभाव जो हमारी महंगी फीस लेते हैं, वो कहाँ है। बच्चों ने इतना फोर्स किया ना, तब दिव्य कीर्ति सर ANI को इंटरव्यू देने गए। मतलब आप सोचिए कि जिन बच्चों के फीस लेकर ये बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानें चला रहे हैं, अब तो हर जिले हर कस्बे में इनका हो गया। प्रयागराज देख लीजिए, लखनऊ देख लीजिए, गोरखपुर देख लीजिए, दृष्टि IAS हर जगह है। तो जहां पर विकास पर पहुंच भी नहीं रहे हैं, वहां पर भी अपना नाम बेच रहे हैं। मतलब प्रयागराज में दिव्य कीर्ति सर पता नहीं कभी आते हैं या नहीं, गोरखपुर में कभी आते हैं या नहीं, लखनऊ में कभी जाते हैं या नहीं, विकास सर के नाम की वजह से उनके सारे इंस्टीट्यूट को बच्चे उनके इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, उनके नाम की वजह से, उनके आदर्शों की वजह से उनको फॉलो करते हैं, महंगी फीस देकर पढ़ते हैं। उसके बाद भी जो है वो विकास सर कुछ बोलते नहीं है। ANI का इंटरव्यू देने के बाद उस दफ्तर से निकल कर वो वहां राजेंद्र नगर में, जहाँ बच्चे भूख हड़ताल कर रहे हैं, वहां जा सकते थे, उन बच्चों से मिल सकते थे, ये बोल सकते थे कि हम आपको पढ़ाते हैं, हमारी आपकी फीस की वजह से हमारा परिवार चलता है, आप लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, आप लोगों ने मुझे इतना नाम दिया है, तो आप लोगों के साथ मैं खड़ा हूँ, आप लोगों के साथ कुछ भी बुरा हुआ है मैं खड़ा हूँ। विकास सर कुछ नहीं बोलते, बच्चे इतना लगातार उनको बोल बोल के इतना उनका नाम सोशल मीडिया पर लिख लिख के उनको मजबूर किए कि वो ANI को इंटरव्यू दिए। और इंटरव्यू में पता है क्या बोले, हैरानी हो रही थी, मैं इतना फॉलो करती थी विकास सर को। विकास सर ने ये कहा, क्योंकि जो जो नामी लोग होते हैं, जिनको नाम मिलता है, जिनको लोग पहचानते हैं, उनकी चर्चाएं तो होती रहती है, मेरे बारे में इसलिए बात हो रही है क्योंकि मेरा नाम इस्तेमाल करके कुछ लोग व्यूज पा सकते हैं। मतलब ये व्यूज का मसला है, सोचने की बात है सुनी, कि वो जिनके परिवार का लाठी उनसे छिना है ना, परिवार का दीपक उनसे छिना है, वही जानते होंगे कि उनके साथ क्या गुजर रहा है। उसके बाद विकास सर ये कह रहे हैं कि मेरा नाम इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि मेरे नाम से व्यूज मिलता है, और कुछ महीनों से मेरे नाम से बहुत व्यूज आ रहे हैं, इसलिए इस मैटर में मुझे घसीटा गया है, इसलिए इसलिए उनको घसीटा गया है। बेसमेंट पे उनका इंस्टीट्यूट चल रहा था, और बेसमेंट में ही ये जो राव IAS का इंस्टीट्यूट था, बेसमेंट में उनकी लाइब्रेरी चल रही थी, जिसकी वजह से जान गई। उसके बाद से दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव हुआ, और जितने भी इंस्टीट्यूट है उनके बेसमेंट में अगर लाइब्रेरी चल रही है या इंस्टीट्यूट चल रहा है, तो उसको बंद किया गया। उस क्रम में जो है वो विकास दिव्य कीर्ति का जो है वो कोचिंग बंद हुआ है। तो जो 13 लोगों का बंद हुआ, क्योंकि उनका नाम नहीं है, उनकी उतनी चर्चाएं नहीं है, तो विकास सर का ये कहना है कि जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो किसी एक को पकड़ लिया जाता है, और इस बार मोहरा मैं बना हूं। ऐसा नहीं है विकास सर, आपके यहाँ हजारों बच्चे पढ़ने जाते हैं, आपको मोटी तनख्वाह देते हैं, आप ज्यादा अर्न करते हैं उन बच्चों से, इसलिए आपकी ज्यादा जवाबदेही बननी चाहिए थी, इसलिए आपको ज्यादा और मुखर और मजबूत होकर इस मुद्दे पर बोलना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं बोला, और अब कह रहे हैं कि मेरा नाम बेचा जा रहा है, मेरे नाम से व्यूज कमाया जा रहा है। मतलब हैरानी हुई मुझे, बहुत बुरा लगा, मैं बहुत फॉलो करती थी विकास सर को, तो हैरानी हुई कि इतना जिम्मेदार इंसान ऐसी बात कैसे कर सकता है। वो इसलिए हैरानी हुई क्योंकि ये जो अम्बेडकर नगर में जो बिटिया है श्रेया, उनके पिता का किस्सा सुना था, बहुत मतलब प्री निकाल ली थी वो लड़की, मेंस निकालने वाली थी। मतलब सोचो कि एक कठिन परीक्षा की एक सीढ़ी उस लड़की ने अपनी मेहनत के दम पर पास कर ली थी। उनके पिता एक छोटे किसान हैं, और उससे जब उनका घर नहीं चलता तो वो पशुपालन, गाय का दूध बेचकर अपना परिवार चला रहे थे। उसके बाद ही राव इंस्टीट्यूट को वो 1,75,500 रुपए दिए हुए थे। उसके बाद लाइब्रेरी का अलग ही सिस्टम होगा, लाइब्रेरी का अलग पैसा लिया जाता होगा, इसका उसका अलग पैसा लिया जाता होगा। आजकल ये जो कोचिंग माफिया है वो पैसा ही तो लूट रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। पहले एजुकेशन जो था वो सेवा के भाव से किया जाता था, अब लाभ कमाने के लिए किया जाता है। मतलब क्या जरूरत थी आपको, जो स्टोर दिया गया था, स्टोरेज के लिए जो जगह दी गई थी, उसमें लाइब्रेरी बनाने की क्या जरूरत थी। इतना पैसा तो तुमको मिल ही रहा है भाई, अच्छी जगह लाइब्रेरी बना लो। एक एक बच्चे से 2-2 लाख के आसपास पैसा ले रहे हैं, 1,75,500,
और ऑनलाइन जो ये मतलब अपना कोचिंग का ये जो क्लासेस हैं वो जो बेचते हैं उसके लिए 1 लाख के आसपास, 500 रुपए मात्र कम रहता है 1 लाख में, उतने में ये बेचते हैं। सोचो उसके बाद भी बच्चों को सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, बहुत हैरानी होती है। जिम्मेदारी तक नहीं लिया जा रहा है। मतलब इंस्टीट्यूट का कोई था, कोई तो था, सोशल मीडिया पर उनका मैं बयान सुन रही थी, कह रहे थे नालियां नहीं साफ होती हैं जिसकी वजह से पानी लग गया। तो बेसमेंट में तुमको कौन बोला था लाइब्रेरी चलाने के लिए? तुमको नहीं पता था कि रोड के नीचे है तो पानी आ सकता है? मतलब बच्चों की जिंदगी तो मजाक है। तो इस तरीके की बात जब कही जाती है तो बहुत गुस्सा आता है। देखे ना पल्लवी जी, इसमें भी खेल खेला जा रहा है। उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया है जो बेचारा उस रास्ते से गुजर रहा था, अपनी गाड़ी लेके गया, और ये कहा जा रहा है कि इनकी गाड़ी से जो धाराएं बनी उससे गेट टूटा और पानी अंदर गया। वही तो मैं कह रही हूँ, जब इस तरीके की कोई घटना होती है तो बलि का बकरा ढूंढा जाता है किसको बनाया जाए। मतलब नगर निगम को बनाया जाए, नगर निगम के किसी अधिकारी को बना दिया जाए, एमसीडी के किसी अधिकारी को बना दिया जाए, आम आदमी पार्टी को कि बीजेपी को। अब सबको लगा कि सब नामी गिरामी है, सरकारी विभाग के लोग है, तो किसी और को पकड़ के लाया जाए। अब बताइए रोड पे, अब सड़क है, गाड़ी है, गाड़ी तो सड़क पर ही चलेगी, हवाई जहाज तो नहीं है कि आकाश में उड़ाया जाएगा। सड़क पर पानी था, वो गाड़ी जो है वो सड़क से जा रही थी, और इस तरीके का हादसा हो जाता है तो लोग कहते हैं कि क्योंकि गाड़ी स्पीड में थी और गाड़ी वहां से गुजरी तो जो गाड़ी का प्रेशर बना, पानी के प्रेशर से शीशे का ग्लास टूट गया और इसकी वजह से जो है वो पानी जो है वो लाइब्रेरी में घुस गया। मतलब ये क्या तर्क बनता है? कौन बोला था सड़क सड़क पर पानी बहता है कि नाली में पानी बहता है? तो हैरानी हो रही थी। कहां तो नगर निगम को जिम्मेदारी लेना चाहिए था, माफी मांगना चाहिए था, 3 बच्चों की मौत हो गई मेरी वजह से, तो कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। आम आदमी पार्टी कह रही है हमारे पास 2 साल पहले आया है ये, 2 साल पहले से बीजेपी के पास था, तो ड्रेनेज सिस्टम क्यों नहीं बढ़िया बनाया, नाली व्यवस्था दिल्ली में क्यों नहीं बढ़िया बनाई? एमसीडी कह रही है कि क्या बोलते हैं हमने तो स्टोरेज के लिए दिया था, अब लाइब्रेरी वो चला रहे हैं, उनकी गलती है। और तुम क्या कर रहे हो, किस लिए तनख्वाह लेते हो? तुमको देखना चाहिए ना तमाम इंस्टीट्यूटों में जा जाकर कि बेहतर तरीके से चल रही है या नहीं। या तो हो रहा है कि मोटी धनुगाही हो रही होगी, मोटा मोटा पैसा मिल रहा होगा, इसलिए आग जो है वो जानबूझकर बूंद ली गई होगी, जानबूझकर बंद कर दिया गया होगा। अच्छा पल्लवी जी, आपको लगता है क्या, मेरे जहन में सवाल आ रहा है, इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ, कि विकास दिव्य कृति सर या फिर खान सर इस कारण से चुप हों, जब इन मामले पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे तो जो और इंस्टीट्यूट वाले हैं इनके ऊपर दबाव बनाने लगे, या फिर और भी कोई बात हो सकती है, ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या? अरे यार ये लोग बोलते कैसे? मतलब आप सोच कर देखिए अश्विनी जी, कि विकास सर की बात हो या खान सर की बात हो, ये लोग इसलिए नहीं बोले क्योंकि इनके कोचिंग में खुद ही कई कमियां थी। जैसे अब विकास सर की बात की जाए तो इन्होंने खुद ही बेसमेंट में जो है अपना इंस्टीट्यूट चला रखा था। खान सर की कोचिंग की बात की जाए तो जो कोचिंग नियमावली है, जो कोचिंग चलाने के लिए जो रेगुलेशन एक्ट चलता है, कोचिंग रेगुलेशन एक्ट, तो बिहार का कोचिंग रेगुलेशन एक्ट या कहीं का भी, उसमें 4-5 बिंदुएं सेम होती हैं। जैसे वेंटिलेशन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, सीटिंग अरेंजमेंट बढ़िया होना चाहिए, बच्चों को बैठने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, ऑक्सीजन अच्छे मात्रा में मिल सके इसलिए बड़ी खिड़कियां, हवादार खिड़कियां होनी चाहिए, रोशनी प्रॉपर आनी चाहिए, इस तरीके की चीजें होती हैं, आने जाने का रास्ता अलग अलग होना चाहिए ये, और इसके अलावा अग्निशामक यंत्र वहां पर होना चाहिए ताकि आग वाग लगे तो ये सब चीजें बेहतर हो सके, ये सब बिल्डिंग बेहतर होनी चाहिए, ये सब चीजें बड़ी कॉमन है। हर कोचिंग को शुरू करने से पहले इस तरीके का परमिट जो है वो जारी होता है, सब कुछ देखा जाता है, साइन होता है, उसके बाद ये महंगे इंस्टीट्यूट, बड़े इंस्टीट्यूट या छोटे इंस्टीट्यूट खुलते हैं। तो खान सर इसलिए नहीं बोल पाए क्योंकि पटना वाला जो उनका इंस्टीट्यूट है उसमें एंट्री और एग्जिट पॉइंट अलग अलग नहीं है। सीटिंग अरेंजमेंट की बात की जाए तो बच्चे भुइयां बैठ के पढ़ रहे हैं, तो सीटिंग अरेंजमेंट की तो वैसे भी उसको पूरा ताक पे रखा गया है। एंट्री एग्जिट पॉइंट बढ़िया नहीं है, बिल्डिंग जो आप देखेंगे जो सीढ़ियां हैं सीढ़ियों के बगल में रेलिंग वगैरह नहीं है, तो ये भी अपने आप में एक बड़ी चिंता है कि क्योंकि बच्चे बड़ी संख्या में आ रहे हैं, हजारों की संख्या में, तो कई बार होता है कि बच्चे भगदड़ मच जाता है या इसी तरीके की कोई घटना हुई तो बच्चों की सीढ़ी से गिरने की वजह से भी कुछ दुर्घटना हो सकती है। तो सीढ़ियों के आसपास रेलिंग जैसी व्यवस्था होनी चाहिए, वो नहीं है, बैठने की व्यवस्था तो ऑफकोर्स अच्छी नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो उनके कोचिंग में अच्छी नहीं है। इस वजह से भी अगर वो बोलते तो लोग जो है वो सोशल मीडिया पर आकर लिखने लगते कि पहले अपना कोचिंग देखो हमारे पे क्या बोल रहे हो। हर कोचिंग के कुछ फेवर
लोग तो होते ही हैं, तो सोशल मीडिया पर कहीं वो फोटोज ला ला कर दिखाने लगते हो और रेड वगैरह पड़ जाती या कोई एक्शन ले लिया जाता, इसलिए ना बोला गया हो। लेकिन जब ये शुरू हुआ दिल्ली से तो ये पटना भी पहुंच चुका है, और जब डीएम चंद्रशेखर के आदेश के बाद एसडीएम वहां पहुंचते हैं तो वो तमाम चीजों को खुद ही देखते हैं, उसके बाद ताला लगा देते हैं पटना वाले खान सर के कोचिंग पर। अच्छा, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं क्या कि बस ये जो बड़े बड़े नामी गिरामी हो या फिर छोटे कोई शिक्षक हो, तो बच्चों को बस ये शिक्षा का डंडा दिखा के या फिर हंटर दिखा के उसमें पैसे खाने का प्रयास किया जा रहा है, पैसे लेने का प्रयास किया जा रहा है, बस कोचिंग माफिया बनने का प्रयास किया जा रहा है। ये बात तो अश्विनी कैसे ही कहा जाए, क्योंकि पहले तो इतने पॉपुलर टीचर हैं, अगर कुछ भी बहुत अगेंस्ट बोलो तो लोग जो है वो आपको ही गलत जो है वो ठहराने लगते हैं। लेकिन ये बात तो साफ है कि कोई भी टीचर अब उस तरीके से सेवा नहीं दे रहा है जैसे दिया जाना चाहिए। अब जैसे इतना पैसा मिल रहा है एक एक बच्चे को पढ़ाने में, तो उनके लिए बेहतर सुविधाएं करने की जिम्मेदारी जो है वो आपकी ही बनती है कहीं ना कहीं। दिव्य कीर्ति सर की बात की जाए तो इनका कोचिंग हर जिले में है, हर जगह है, तो हर कोचिंग से इतनी महंगी फीसें ले जाती हैं, मतलब लाख रुपए तो रखा ही हुआ है, चाहे आप ऑनलाइन लीजिए ऑफलाइन लीजिए, आपको लाख रुपए के आसपास तो देना ही पड़ेगा। तो इतनी इतनी महंगी महंगी फीसें लेने के बावजूद भी सुविधाओं के नाम पर आप बेसमेंट में चला रहे हैं, उसके बाद आप ये बोले कि मेरा नाम इतना पॉपुलर है इसलिए लोग व्यूज कमाने के लिए मुझे ट्रोल कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है, बहुत ज्यादा गलत बात है। अब खान सर की बात की जाए तो नियम तो इनको भी फॉलो करने ही चाहिए। अब वो अलग बात है कि इनके कोचिंग में हजारों हजार बच्चे आ रहे हैं, अब ये कैसे नियम को फॉलो करें। कागज दिखाओ बोला गया खान सर से, तो उन्होंने एक दिन का समय मांगा है, एक दिन बाद जो है वो अब पता नहीं चीजें सोशल मीडिया पर या मीडिया में सामने आएंगी नहीं कि बिल्डिंग उस तरीके से ठीक थी या नहीं। बिल्डिंग जो है बहुत ज्यादा ना वो भी नहीं है, मतलब बिल्डिंग सिर्फ ईटा ईटा जोड़ा हुआ था। जिस समय मैं गई थी, तो खैर मैं 3 साल भी हो गया मुझे गए, उसमें वो प्लास्टर भी नहीं था जिस समय मैं गई थी, तो पता नहीं अभी प्लास्टर हुआ या नहीं हुआ। तो तारे भी दिख रही थी बहुत ज्यादा, तार तो है ही, हैवी वोल्टेज की तार, आप मेन गेट से जब एंट्री करेंगे तो एंट्री पॉइंट पर ही ऊपर जो है बहुत हैवी वोल्टेज की, कई सारी वोल्टेज वाली हैवी वोल्टेज की तार ऐसे लपेट लपेट के चल रही है। तो अगर मान लो तारे पुरानी हो गई, कई साल पुरानी हो गई, टूट कर किसी बच्चे पर गिर गई, तो मतलब दुर्घटना पूछ कर थोड़ी आती है, तो सजग तो होना ही है कि उसी रास्ते से हजारों बच्चे आ और जा रहे हैं, इसके लिए उसमें क्या लगेगा। बिजली विभाग को एक एक छोटा सा खत लिख कर खान सर अगर दे देना तो मुझे लगता है बिजली विभाग में ऐसे ही हड़कंप मच जाए। तो ये तो जागरूकता की बात है ना, मतलब आपको एक्टिव होना चाहिए, आपको आपको ये समझदारी खुद से लाना चाहिए कि वो बच्चे आपकी जिम्मेदारी के लिए उस कोचिंग में आ रहे हैं। इसमें इसमें कोई रिसर्च की बात नहीं है, एक कागज में कुछ लिख देने से और भेज देने से ना खान सर का समय चला जाएगा और ना उनका कुछ नुकसान हो जाएगा। लेकिन यही है कि अब चल रहा है तो चलने दो, वही वाला सिस्टम है बस, धक्का प्लेट वाला काम, बस चलने दो। चल रहा है तो चलने दो, जब नहीं चलेगा तो देखा जाएगा। अच्छा, इससे ये समझ सकते हैं क्या कि मतलब खान सर हो या दिव्य कृति सर, विकास दिव्य कृति सर हो या फिर अवध ओझा सर हो, इनकी वीडियो ट्रेंडिंग करती रहती है करती रहती है, या फिर यही समझ सकते हैं क्या कि बस ये लोग आके सोशल मीडिया पे बोलते हैं, बस इतना ही तक इन लोग का सीमित है क्या? जब इन तरह का मामला इन लोग के सामने आ रहा है कि सर का भी, विकास दिव्य कृति सर का भी नीचे बेसमेंट में क्लास चलता था, इस सर को तो इतनी चीजें होनी चाहिए कि बच्चों के साथ कैसे इस तरह से काम कर रहे हैं, या फिर बच्चों को सारी चीजें ताक पे रख के, मतलब जो कहा जाए कि जिम्मेदारियां नहीं लेनी, तो इस तरह से सर को शोभा नहीं देती। नहीं देती है, जो बच्चे लगातार 2 दिन से तो सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे थे कि कहाँ गए ओझा सर, कहाँ गए दिव्य कीर्ति सर, कहाँ गए खान सर, अब कौन क्यों नहीं बोल रहे। तीनों लोगों की फोटो जो है वो लगाकर पूछा जा रहा था कि कहाँ गए आप, मतलब वही जो बच्चे जो आपके आपके नाम पर ही तो आ रहे हैं ना अपना घर परिवार छोड़कर, मतलब कोई अपने घर से उतने दूर जा रहा है, माँ बाप भी नहीं है वहां पर, वहां किसी भी कोचिंग का माँ बाप कोचिंग चलाने वाला ही होता है। तो सुविधाओं पर इस तरीके की लापरवाही कर दी जाए वो ठीक नहीं है मुझे लगता है। अगर इस बात पर बहस शुरू हो गई है तो मुझे लगता है कि कुछ फैसले तक भी पहुंच जाना चाहिए, कुछ नियम बेहतर बन जाने चाहिए कि आगे से ऐसा ना हो। और मैं तो उन बच्चों को देख रही हूँ जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो
राजेंद्र नगर में, वो बच्चे अब खाना पानी छोड़कर सिर्फ जवाबदेही मांग रहे हैं। जवाबदेही किसकी है ये तय हो, मतलब आप सोचिए कि इतनी बड़ी घटना हो गई, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। 2 दिन से बच्चे इस बात की जिद पर अड़े हैं कि कोई जवाबदेही तय हो, कोई तो बोले कि हमारी गलती की वजह से हुआ है, कोई मान ही नहीं रहा है। इधर ये इधर उनको ठेल दे रहे हैं, वो उनको बोल दे रहे हैं, वो उनको बोल दे रहे हैं, यही चल रहा है। तो ये सबसे एमसीडी बड़ी एलजी हैरानी की बात, को एलजी दिल्ली को बस ठेलने का काम किया जा रहा है, बस लीपा पोती किया जा रहा है। वही तीन 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 होनहार बच्चों का भविष्य उनसे छिन गया, 3 घरों के दीपक को बुझा दिया गया, और बुझाने वाला कौन है ये पता नहीं चल पा रहा है, यही बड़ा सवाल है। पल्लवी जी, घर से सोच के तो वो सब निकले होंगे बच्चे कि हम जा रहे हैं, सिर पे बस्ता रख के चले होंगे, पीठ पे किताबों का बोझ लेके चले होंगे कि हम जा रहे हैं तैयारी करके, घर से जा रहे हैं और देश के लिए कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन कुछ और ही मंजूर था। अब ये नहीं कह सकते कि प्रकृति को कुछ और मंजूर था या कुछ जिम्मेदार लोगों की अनदेखी की वजह से ये हुआ, मतलब उन लोगों को ये चीजें मंजूर थी। मतलब ये ना तो ये हादसा माना जा सकता है, क्योंकि हादसा तब होता है जब प्राकृतिक कुछ हो जाता है, जब आप पर उसका काबू नहीं होता और वो हो जाता है। जैसे बाढ़ आ गया वो हादसा है, बिजली कहीं गिर गई वो हादसा है, और अगर आप जानबूझकर कोई चीज होने दें तो इसको लापरवाही कही जाएगी, हादसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। मतलब पानी उस इलाके में बह रहा है, बाढ़ जैसी, लोग बता रहे हैं कि कुछ चंद मिनट की बारिश में वहां बाढ़ लग जाती है। मतलब मैं तो खुद ऐसे जगहों पर गई हूँ, मुखर्जी नगर हो, पटना वाला हो, प्रयागराज वाला इलाका हो, जहां पर बच्चे तैयारी करते हैं, इन इन जगहों को मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने देखा है कि कैसे बहुत तंग गलियां हैं, और प्रयागराज में जहाँ बच्चे तैयारी करते हैं वहां पर नालियां जो है वो इतनी पतली है, पूरा भरी रहती है, कभी नाली साफ नहीं होता। मैंने अपने कवरेज में उसको रिकॉर्ड कर कर भी दिखाया है कि अगर इन बच्चों को मलेरिया जैसी चीजें हो जाए तो उसका जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं होगा। और सिर्फ इसके लिए नगर निगम ही नहीं, जो महंगी किराया ले रहे हैं उन मकान मालिकों की भी जिम्मेदारी मैंने तय की थी। तो वही बात है कि मकान मालिक कहेंगे अरे यार सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे हैं, वो साफ नहीं कर रहे, सफाई वाले कहेंगे कि हम तो साफ करते ही हैं, क्योंकि बच्चों की गैदरिंग यहाँ पर इतनी ज्यादा है कि रोज गंदा हो जाता है। तो वही बात है कि कोई मतलब वो चीजें तय नहीं कर रहा है, कि किसी की जिम्मेदारी नहीं तय हो पा रही है। तो वो राजेंद्र नगर वाली बात हो, वो भिकना पहाड़ी की बात हो, या प्रयागराज के इलाके की बात हो, ये सभी इलाके मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं चल रहे हैं, और इसके लिए जिम्मेदारी जिसकी भी हो उसको एक्टिव हो जाना चाहिए। क्योंकि हर हर बच्चा जो अपने घर पर एक एक अपने घर से एक झोला लेकर जब निकलता है, एक बैग टांग कर निकलता है, तो वो यही उम्मीद लेकर निकलता है कि ये जो बस्ता टांग कर जा रहे हैं अगली बार सिलेक्शन लेकर ही घर से लौटेंगे। वो पिता एक एक जून का रोटी खा खा के अपने बच्चे को पढ़ा रहा होता है, और इस तरीके का मजाक नहीं होना चाहिए, मतलब सच में नहीं होना चाहिए। अगर इस पर चर्चा हो रही है और अगर एक्शन, त्वरित एक्शन की बात हो रही है, तो 4 दिन बाद इसको भुला मत जाइएगा, यही रिक्वेस्ट है। कुछ कुछ ढंग का काम हो जाए, 3 बच्चों की वजह से ही अगर कुछ ढंग का एक्शन हो जाए तो समझिए आगे बहुत बड़े बड़े चीजों से हम बच सकते हैं। अच्छा पल्लवी जी, 2010 में लगभग ऐसे ही दिल्ली में एक मामला सामने आया था जिसमें लगभग 2010 में 71 बच्चे इस तरह के हादसे में उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन जेई पर बस 11,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। तो ऐसा तो नहीं ये जो मामला अब चल रहा है सुर्खियों में बना हुआ है बस प्रोटेस्ट तक ही सीमित रह जाएगा या फिर कोई बड़ी कार्रवाई भी होगी? वही बात है, ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। अभी दिल्ली में मुझे लग रहा है 1 हफ्ता भी नहीं बीता, एक बच्चे की जान जो है वो जलभराव की वजह से चली गई थी। रोड पर पानी लगा हुआ था और जो बिजली का तार था वो दीवार को पकड़कर गेट पे जो है वो आ रहा था बिजली, और जो बच्चा था वो लाइब्रेरी जा रहा होता है, उसका हाथ जो है वो गेट पर टच हो जाता है और उसकी तुरंत ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। उसके लिए कोई चर्चा ही नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। एक बड़ा हादसा जब हो गया, जब एक पूरा बहुत जो वहां प्रोटेस्ट करने वाले बच्चे हैं वो अभी भी कह रहे हैं कि ये संख्या 3 नहीं 3 से ज्यादा है, क्योंकि हमने देखा रात तक एम्बुलेंस आती रही। अब ये पता नहीं कभी सच सामने आ पाएगा या नहीं। ये जो बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, कुछ आश्वासन में इनको जो है वो ताल दिया जाएगा या कुछ बड़ा कुछ किया जाएगा, पता नहीं। ऐसे बहुत से प्रोटेस्ट होते हैं, बड़े जिम्मेदार लोग आते हैं, उनको कुछ सहलाते हैं, कुछ भुलवाते हैं, कुछ आश्वासन देते हैं, कुछ वादे करते हैं, और वो किताबी बनकर रह जाता है। कोई बड़ा एक्शन अगर इस मामले में हो जाता है तो आप समझिए कि वो जो 3 बच्चे हैं उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी, अगर कोई बड़ा एक्शन होता है तो, और अगर नहीं होता है तो क्या।
हर बार की तरह इसको भी लोग भूल जाएंगे 4 दिन बाद, फर्क ही किसको पड़ता है। 4 दिन तक कैंडल मार्च जो है वो निकाला जाता है, भावनाएं आहत होती हैं और 4 दिन बाद सब अपने जिंदगी में वापस जो है वो लौट जाते हैं। यही हकीकत है, यही प्रकृति का नियम है। नहीं कहते हैं परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, तो लोग जो है वो आगे बढ़ जाते हैं, भूल जाते हैं सब कुछ, लेकिन नहीं भूल पाते तो वो परिवार के लोग जिनसे उनके घर का चिराग छिन चुका होता है, उनसे उनकी उम्मीद छिन चुकी होती है। अब जैसे बिहार की बात की जाए तो बिहार में एजुकेशन इतना खराब है, उसमें अगर कोई पिता अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए भेज रहा है, उस पर लाखों लाख रुपए लगा रहा है, तो कितनी उम्मीद होगी कि मेरी बच्ची एक दिन बड़ी अधिकारी बनेगी, परिवार का नाम रोशन करेगी। और एक लड़की अधिकारी बनती है ना, तो उस पूरे इलाके, उस पूरे कस्बे में तमाम लड़कियों का हौसला जो है वो बढ़ जाता है। सिर्फ बैनर टंगने से हौसला नहीं बढ़ता है, कोई लड़की बेहतर कर जाती है तो उसको देखकर और 10 बच्चियां पढ़ने के लिए निकलती हैं। तो समझिए, इस तरीके का कोई हादसा हुआ ना, तो जो 10 लड़कियां और निकलने वाली थी उनके पैर भी वापस खिंच गए, फिर से अब उसी दहलीज के अंदर आ गए। अब मुझे नहीं लगता कि इस तरीके के कोई हादसे के बाद अगर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जाता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब गार्जियन भेज पाएगा बाहर। उसको तो डर ही लगा रहेगा ना कि लाखों लाख रुपए दे रहे हैं तब भी बच्चे जो है हमारे सुरक्षित नहीं है। तो ये चिंता है, मुझे लगता है हर गार्जियन के जहन में तो है ही। अच्छा पल्लवी जी, अगर एक्शन लेना होता तो हर एक एक्शन के पहले कहीं ना कहीं बड़े वो यशस्वी नेता, जो कहे जाने वाले, अपने नाम से जाने जाने वाले नेता लोग कहीं ना कहीं ट्वीट जरूर करते हैं, लेकिन इतना बड़ा मामला हो गया, अभी तक एक कोई बड़े नेता का ट्वीट तक नहीं आया है। मुझे नहीं पता ये चुप्पी किस तरफ इशारा करती है, अभी भी नहीं समझ में आ रहा। हालांकि ये मैटर अब संसद भवन में उठा था, संसद में इस चीज को लेकर चर्चा हुई थी और इस चीज पर बात हो रही थी, तो जो बासुरी स्वराज हैं वो उठी, उनको जब उठाया गया तो जो पीठाधीश थे उन्होंने कहा कि आपके क्षेत्र का इलाका है इसलिए आपको बोलने का मौका दिया जा रहा है। तो बासुरी स्वराज बोलती हैं और बोलते हुए उनकी बात में उन्होंने शुरुआत तो किया, लेकिन शुरुआत में वो पूरा पूरा पॉलिटिकल खेल गई, पूरा पूरा आम आदमी पार्टी को ब्लेम करते नजर आई कि आम आदमी पार्टी की लापरवाही की वजह से ये सब हुआ है, 2 साल से नगर निगम आपके अंडर आ रहा है, आप तो क्या कर रहे हैं, एमसीडी आपकी क्या कर रही है, सरकार इतने सालों से यहाँ पर चल रही है, सरकार ने कुछ नहीं किया, सरकार जनता को मूर्ख बना रही है। मतलब उस इतने गंभीर मसले पर भी पॉलिटिशियन लोग अपनी पॉलिटिक्स किए बिना बाज नहीं आते। मतलब राजनीतिक रोटी जब तक सेकेंगे नहीं तब तक इनका खाना हजम नहीं होगा। ये सिर्फ मैं बासी स्वराज के लिए नहीं कह रही हूँ, सबके लिए कह रही हूँ। ये हर हर मैटर पर हर लोग जो है वो बोलते ही है। पप्पू यादव ने कुछ बेहतर बोलने की कोशिश शुरू की थी पर मुझे लगता है उनको 1 मिनट से ज्यादा बोलने भी नहीं दिया गया था। वो बोल रहे थे उसी बीच जो है वो जो पीठाधीश थे उन्होंने दूसरे का नाम बुला लिया था। पप्पू यादव बोल बेहतर रहे थे, ठीक बोल रहे थे कि मतलब इस तरीके की बात आम आदमी पार्टी और भाजपा से मेरा कोई लेना देना नहीं है, भारत की बिटिया थी, बिहार की बिटिया थी, मेरे क्षेत्र की बिटिया थी। उन्होंने बेहतर बोलने की कोशिश, अभी बोलते वो अभी मतलब भूमिका गढ़ रहे थे तब तक उनको बैठा दिया गया। तो मुद्दे की बात कहाँ ही हो पाई। इस मैटर पर अगर ढंग से संसद में चर्चा हुई होती तो मुझे लगता है कि कुछ बेहतर निकला होता, पर अफसोस की हुआ नहीं। बस इस देश में अलग ही खेल चल रहा है, बस जनता को, बच्चों को बस मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है। कभी पेपर लीक कर दिया जा रहा है, कभी बच्चों के जो हादसे हो जाते हैं उस पर कुछ नहीं बोला जा रहा है। बाकी इस देश में अलग ही खेल खेला जा रहा है। बाकी आप क्या सोचते हैं एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस चीज को बेहतर से समझने के लिए हमारे साथ पल्लवी राय जुड़ी थी, उनको धन्यवाद। बाकी आपसे आगे मिलते हैं। नमस्ते।